नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है, आप देख रहे हैं कैची टेक्निकल। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं रोनेट में जो लॉन्च किया है एनएसडीएल प्रीपेड कार्ड है। जैसे कि आपने एनएसडीएल प्रीपेड कार्ड जो रोनेट ने लॉन्च किया है उसको जैसे कि आपका ईमेल आईडी पे आ चुका है लेकिन आपका मोबाइल पे ओटीपी नहीं आया है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि जैसे कि आपका जो एनएसडीएल जो प्रीपेड कार्ड है आपका ईमेल पे आ चुका है और उसका ओटीपी जो उसको खोलने का जो पासवर्ड होता है वो आपके मोबाइल पे नहीं आया, तो दोबारा से आप अपने ईमेल और मोबाइल पे अपने पासवर्ड को कैसे रीसेंड करें इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं कंप्रेस गन पे और जानते हैं कि रोनेट का जो एक्सप्रेसो एनएसडीएल प्रीपेड कार्ड है उसके जो पासवर्ड होता है दोबारा से रीसेंड कैसे करें। तो चलते हैं कंप्रेस गन पे और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हम लोग कैप्चा जो टाइप करते हैं, कैप्चा टाइप करने के बाद लॉगिन बटन पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं लेकिन इसमें आपको सर्विस के ऑप्शन पर आना है। वहाँ पर आपको प्रीपेड कार्ड एनएसडीएल गिफ्ट कार्ड के ऑप्शन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग व्यू ट्रांजेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका नाम, डेट, सीएसपी, नेम, पूरा डिटेल्स, ईमेल आईडी, यहाँ पे कब आपने परचेज किया था एनएसडीएल प्रीपेड कार्ड जो है वो अप्रूव हो चुका है या नहीं हुआ, रिमार्क में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भी आप यहाँ पे बहुत सारे इसमें अपडेट, टाइम, अप्रूव, पूरा डिटेल्स दिया गया, फुल केवाईसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8:41 में हम लोग ने ख़रीदा था और ये 10 बजे करीब 2-3 घंटे के बाद हमारे मेल पे आ चुका है। अगर नहीं आता है तो मेल पे आने के बाद यहाँ पे व्यू कार्ड के क्लिक करेंगे। जैसे ही व्यू कार्ड पे क्लिक करेंगे आपके सामने नीचे में पूरा डिटेल्स आ जाएगा। देख सकते हैं व्यू कार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे दाहिने साइड में आप देखेंगे कि रिमार्क के बगल में यहाँ पे एक रीसेंड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको रीसेंड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रीसेंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे दोबारा से एक पीडीएफ चला जाएगा। पुराने वाला पीडीएफ को नहीं खोलना है और नया जो पीडीएफ गया है उस पीडीएफ को खोलना है। आपको मोबाइल पे भी मैसेज चला गया होगा यहाँ पर रीसेंड करने के बाद। यहाँ पे जैसे ही मेल पे आते हैं तो हमारा पुराना वाला पीडीएफ ऊपर में रहता है और नया जो पीडीएफ अभी जो रिसेंट किए हैं वो पीडीएफ नीचे रहता है। तो पुराने वाला पीडीएफ को नहीं खोलना है, नया जो पीडीएफ मिल गया है उसको आपको यहाँ पे क्लिक करके खोल लेना है। तो जैसे ही हम लोग उस पीडीएफ को, पुराने वाला जो पीडीएफ है उसको नहीं खोलना है, नया वाला जो पीडीएफ है उस पर ओपन करते हैं तो आपके मोबाइल पर जो पासवर्ड गया हुआ है दोबारा से जो रिसेंट हम लोग ने किया है वो पासवर्ड को हम लोग खोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पासवर्ड प्रोवाइड ऑन योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर आपने मोबाइल नंबर दिया था उसी मोबाइल पे आपको दोबारा से रिसेंट मैसेज चला गया होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में जो ऑप्शन हम लोग का है यहाँ पे दूसरी बार जो हमारा आया है उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड का मांगेगा तो यहाँ पे आपको मोबाइल पे जो ओटीपी गया है वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो हम लोग अपना यहाँ पे पासवर्ड जो हमको ओटीपी आया है वो फिलअप करने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का आपको प्रीपेड कार्ड आ चुका होगा। तो आप इस तरह से अपने पासवर्ड को दोबारा से रिसेंट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि रोनेट में जो एक्सप्रेसो पोर्टल होता है उसके माध्यम से एनएसडीएल जो प्रीपेड कार्ड होता है उसको जो पासवर्ड होता है, अगर आपके पासवर्ड नहीं आया है तो दोबारा से रिसेंट उस पासवर्ड को कैसे करेंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई थी। अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज तक इतना ही, धन्यवाद।